बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और इतना टैलेंट देखना इतने कम उम्र में, इट्स अ ग्रेट फीलिंग. और बेस्ट पार्ट ये शो का जो आज मुझे लगा है कि वो इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉन्ड है, जो बच्चे इंडिया और पाकिस्तान की मिल के साथ में गा रहे हैं, इट्स अ ग्रेट मैसेज एंड आई होप एवरीथिंग बिकम्स ओके. इतना अच्छा, एक तो बच्चे इतना अच्छा गाना गा रहे हैं और हमें बिठाया हुआ है, हमें गाना आता नहीं है, हम लोग क्या जज करेंगे छोटे बच्चों को. लेकिन इतना ज़्यादा नॉलेज तो मुझे नहीं म्यूज़िक का, मुझे तो सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं और बहुत ही अच्छा उनका गाना भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, अच्छा लग रहा है. लेकिन जैसा कि सोनू जी और राहत जी वो लोग ज़्यादा डिटेल में बताते हैं कि क्या है क्या नहीं, तो वो उनकी गाइडेंस थोड़ी हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है. एक राहत साहब ने गाना गाया, बहुत खूबसूरत गाना है फिल्म में, एक सुनिधि का गाना है, तो इट्स अ कंप्लीट एल्बम, एवरीबॉडी विल एंजॉय लिस्टिंग टू. माय फेवरेट सॉन्ग इज गंगूबाई, इट्स अ ग्रेट सॉन्ग एंड इट्स अ मासी सॉन्ग. जो नॉकआउट में जो मेरा किरदार है वो एक जर्नलिस्ट का है, और जो क्राइम जर्नलिस्ट होते हैं उस तरह का किरदार है. तो उसको प्रिपेयर करने के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा शोज़ देखे टीवी पे और काफ़ी ज़्यादा जो उनका बॉडी लैंग्वेज होता है उस पर रिसर्च किया. रिसर्च कह लीजिए कि जैसे कि बहुत ज़्यादा उसको नोटिस करके बहुत ज़्यादा उस पर नोट्स बनाए, क्योंकि एक अलग तरह का उनका बॉडी लैंग्वेज रहता है. सो दैट वॉज़ माई चैलेंज.